आकृत डांस सेंटर और एचके फंक टूर ने दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव में 2 दिवसीय डांस वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया और डांस के नए नए टिप्स सीखे। आस्था, आस्था जी कहाँ से आए हैं और 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग चल रही है, क्या क्या सीखा है उसके बारे में? फ्रॉम मोहम्मदपुर, हमें जैज फंक सिखाया, हिप हॉप सिखाया, कंटेम्प्रेरी, एंड इट वाज नाइस। उनके स्टाइल सारे डिफरेंट होते हैं, लाइक आज हमने सीखा है कंटेम्प्रेरी और जैज फंक, सो हर टाइम हमें नया कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ, सो इट्स गुड टू लर्न फ्रॉम। मैं दिल्ली से ही हूँ। बेसिकली कल से स्टार्ट हुआ, तो अभी आज हमारा दूसरा दिन है और डिफरेंट यहाँ पे हिमांशु कटारिया है जो कि अलग टाइप का स्टाइल यहाँ पे लेके आए हैं और वो सीखने को मिल रहा है। बहुत कुछ है, बहुत अच्छा डांस किए और सर ने बहुत अच्छा सीखा है। एक्चुअली मैं अरुणाचल से हूँ पर बहुत अच्छे लगा है। हाँ, मुझे यहाँ आने के बाद हिमांशु सर की क्लास या इनके स्टूडेंट देख के मुझे डांस का लेवल समझ में आया। जब मैं इलाहाबाद में देखा करता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा उसका लेवल दिखा, काफ़ी बड़ा लेवल मुझे आज दिल्ली में दिखा। तो आप इलाहाबाद से आए हैं, तो आपको कैसे आप इनको इनके बारे में जानकारी मिली, किसी के थ्रू आए हैं, आप कैसे आए? हाँ, मेरे डांस कोरियोग्राफर ने मुझे इन्फॉर्म किया कि हाँ दिल्ली में एक हिमांशु शहर है और उनकी वर्कशॉप है। मैंने फेसबुक पे भी देखा, आजकल सोशल नेटवर्क पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमारे सर ने हमें बताया कि हिमांशु सर की वर्कशॉप है दिल्ली में, तो भाई हमें थोड़ा कंटेंप सीखना था, हमें कंटेंप आती नहीं पर हमें इंटरेस्ट है, हम कंटेंप करना चाहते हैं, तो वही सर बोले हमारे कि हिमांशु सर की है, तो हम वहीं से दौड़ते हुए चले आए। अभी तक आप कितना सीख पाए हैं? अभी तक मैं सीख चुका हूँ, वैसे मैं काफ़ी स्टेज पे भी परफॉर्म कर चुका हूँ। मैं संदीप सर के शो इंडिया डांस वीक में टाइगर श्रॉफ के सामने और गोविंदा जी और रवीना टंडन, सुधा चंद्रा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज सामने डांस भी कर चुका हूँ मैं संदीप सर के। और हमारी एक ग्रुप है BDD ग्रुप, जो बड़ी ग्रुप है हमारे सर लोग की, मैं उसमें उनके साथ ही डांस करता हूँ, बाहर जाते हैं। वैसे हमारी एक ग्रुप और है स्टेमोर्स ग्रुप, हम उससे भी कई जगह जाते हैं डांस करने। हम गुवाहाटी में गए हैं, वहाँ पर भी जीते हैं फर्स्ट प्राइज, मनाली, कानपुर और अपने सोनभद्र जगह। मैं तो यही कहूँगा कि हिमांशु सर के क्लास वर्कशॉप करने मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मुझे एक डांस बहुत पसंद है, वो कंटेम्प। तो हिमांशु सर के मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो हमें कंटेम्प सिखाएं। थैंक्स हिमांशु सर। हिमांशु सर के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा वर्कशॉप था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। ही इज अ ग्रेट गाय एंड ही टीचेस अ लॉट एंड ही रॉक्स। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टाइल सीखने को मिले, विच इज़ वेरी गुड। थैंक्स बोलना चाहता हूँ बिकॉज इतनी दूर दूर से सबने ट्रैवल किया है फॉर माई वर्कशॉप, बिकॉज ये बहुत 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 इमोशनल चीज़ होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए ना, कि इतनी दूर से लोग आते हैं और वो आर्ट सीखना चाहते हैं जो आप करते हो। सो द पूरा आइडिया यही था कि हम इतनी मिनिमल कॉस्ट पे हम ऐसा प्रोग्राम लेके आए जहाँ पर यू नो डिफरेंट डांस फॉर्म्स होते हो, ताकि जो हमारे जैसे आउटस्कर्ट्स हैं, बिल्कुल दिल्ली के भी आउटस्कर्ट्स हैं, वहाँ से भी लोग ट्रैवल नहीं कर पाते दिल्ली में आके, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है ट्रेनिंग। सो ये आइडिया ही ऐसा क्रिएट करना था कि सबको ट्रेनिंग मिले, सब समझें कि क्या एक्चुअल डांसिंग है किस चीज़ की। सो इसी के लिए बेसिस पे हमने पूरा 2 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें रिस्पांस लाइक ओवर 150 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, तो पूरी इंडिया से, अलग अलग जगह से, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। तो आपने जो डांस सिखाया तो बच्चों को 2 दिन के अंदर क्या कौन कौन सी ट्रेनिंग दिया? 2 दिन के अंदर हमने हिप हॉप कवर किया, हमने जैज फंक कवर किया, हमने कंटेम्प्री कवर किया, हमने लिरिकल जैज कवर किया, हमने अर्बन डांस फॉर्म कवर कर रहे हैं। सो इतने सारे फॉर्म्स, और मुझे पता है कि बहुत दूर से आते हैं तो ट्रैवल करने में भी थक जाते हैं और फिर करने में भी, बट कहीं ना कहीं वो जोश है और अभी भी बहुत अच्छे से सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे डांस फॉर्म्स हो रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं बट एक पर्टिकुलर स्टाइल के लिए होती हैं, पर इस वर्कशॉप में क्या है कि एक ही दिन में आप अलग 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 डांस फॉर्म्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको माइंड भी सेम टाइम पर चलना चाहिए, आपकी बॉडी भी चलनी चाहिए, आपका अटायर भी मैच करना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। सो ये एक बॉडी के लिए कैच करना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, तो मेरे को लगता है कि ऐसे कैंप्स बहुत ग्रो करते हैं एज अ डांसर। सो जिनको भी ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है कहीं से, यू कैन कम अप टू मी, मेरे पास आ सकते हैं, फॉलो मी एनी वेयर, लाइक फेसबुक पे आ सकते हैं, कहीं भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू। लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन ने निर्वाचन आयोग से चुनाव चिन्ह हटाए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हमारी मांगे यही है कि जब हमारे उम्मीदवार का
फ़ोटो जो कैंडिडेट होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर उनका फ़ोटो लग गया है तो वही हमारा फ़ोटो चुनाव चिन्ह हो गया। अब उसके बाद अलूल जलूल जो फ़ोटो चुनाव चिन्ह सब है चुनाव आयोग का, लालटेन, हाथ, हाथी, घोड़ा, ताला, कुंजी, ये सब की ज़रूरत नहीं रही। उम्मीदवार को चुन लेगा हमारा वोटर तो देखकर बस, क्योंकि वो चुनाव चिन्ह जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है, वो चुनावी टिकट कहलाता है जो करोड़ों रुपए में मिलता है, जिससे हमारे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम लोगों की मांग यही है कि चुनाव चिन्ह को हटाया जाए, बस एक ही हमारा नारा है, चुनाव चिन्ह हटाना है, लोकतंत्र को आज़ाद कराना है। अभी जो है वो लोकतंत्र नहीं, पार्टी तंत्र चल रहा है। चुनाव चिन्ह हम लोग इसलिए समाप्त करना चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह के आर में अभी करोड़ों रुपए की ये लोगों ने बिजनेस एक तरह का बिजनेस बना के रखा है, और ये इस बिजनेस से देश को हम आज़ाद कराना चाहते हैं। और हमारे जो असल में जो समाज सेवी हैं, जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग उनके फेस वैल्यू को जब वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन के लिए आते हैं मार्केट में, तो उनको इलेक्शन से चंद दिन पहले, 14 दिन पहले सैंबल दिया जाता है, और उस सैंबल को पब्लिक तक वो लोग पहुँचा नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको उन तक वोट नहीं पहुँचाती। और ये नाम ने आज जो करोड़ों का खेल खेल रहे हैं, और ये लोग अपने इलेक्शन सैंबल्स को लेकर और पार्टी को लेकर आते हैं, और देश को जो होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, देश को आज़ाद होना नहीं चाहिए। यह लड़ाई 3 सालों से चल रही है। फर्स्ट स्टेज में 1 मई 2015 को चुनाव आयोग ने आदेश कर दिया कि इनकी मांग जायज है, अब चुनाव चिन्ह के बदले में प्रत्याशियों का चेहरा होना चाहिए। 1 मई 2015 से पूरे भारत में लागू हो गया, चेहरा आ चुका है। लेकिन जब चेहरा आ गया है, लोग अपने प्रत्याशी को चेहरा देख करके वोट दे लेंगे, उस स्थिति में ईवीएम पर चुनाव चिन्ह का रहना यानी कि सिंबल रहना एक गुमराह करने वाली बात है, ये कहीं से जायज नहीं है। ऐसे भी 2 चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि भ्रष्टाचार यहीं से खत्म होता है। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कीमती अगर बिक्री चीज़ होती है तो है टिकट, करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के टिकट को दिया जाता है। अगर सिंबल हट जाता है तो धरातल का प्रत्याशी जो काम करते हैं क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र से जीत कर सदन में जाएंगे और जनता का काम करेंगे, यही हम लोगों की मांग है। जब तक इस मांग को हम लोग प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। देशव्यापी मसीह जन आंदोलन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए, ये जो देशव्यापी मसीह जन आंदोलन है, ये आज उसकी बिगिनिंग है, आज उसकी शुरुआत है पूरे देश के अंदर। बाकी हम इससे पहले काफ़ी सारे धरना, रैली, प्रदर्शन कर चुके हैं, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं निकला। तो हमने ये सोचा क्यों ना एक पूरे देश के अंदर हम अपनी आवाज़ को बनाने के लिए पूरे देश में इस आंदोलन को चलाएं। ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, ये दिल्ली से बाहर भी है, पूरे देश के अंदर है, कई राज्यों में है, और हम तो पूरे गुजरात के अंदर कर रहे हैं, लखनऊ में, यूपी में, आपका हरियाणा के अंदर, इसके अलावा उत्तराखंड में, और काफ़ी पूरे सारे राज्य हम लोग कर रहे हैं इसको। हमारा मेन मुद्दा जो है वही है कि प्रोसिक्यूशन रोका जाए, हमारे लोगों पर जो हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को जो मारा पीटा जा रहा है और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, सबसे पहले तो ये रुके, ये हमारी कोशिश है, और इस कोशिश में आज आपने देख ही लिया है, हम इस कोशिश में लगे हैं। दूसरा हमारा जो एक अहम मुद्दा वही है कि हमारे देश के अंदर ये RSS, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व मंदिर परिषद, इनका एक ही एजेंडा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये देश हजारों सालों से एक सद्भावना वाला देश रहा है, और इसमें हम सब ने मिलजुल कर इस देश को जिया है, और आगे भी हम इसी तरीके से जिएंगे। मगर कुछ कट्टरवादी ताकतें, कुछ कट्टरवादी संगठन हमारे देश को तबाह करने में लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत करके हम उनको रोक सकें, जहाँ तक हमारा एफर्ट्स होगा हम उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर गंगा जमुना तहजीबी रही है, और हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। मैं कुछ से लोग जो इस देश में आज अराजकता की स्थिति बनाने के लिए आमदा है, हम चाहते हैं किसी भी प्रकार हम अपना छोटा भी रोल अदा करके उनको रोकें। मध्य प्रदेश सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुनिंद्र तिवारी ने मध्य प्रदेश में पंचायत के अधिकारों पर अधिकारी राज कायम होने के विरोध में तथा जल्द से जल्द इस कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में जिस तरह पंचायतों के अधिकारों पर अधिकारी राज कायम हो गया है, पूरे अधिकार छीन लिए गए,
जो संवैधानिक अधिकार हैं पंचायतों के, उनको खत्म किया गया है। हमने भोपाल के अंदर, प्रदेश के अंदर आंदोलन चलाया है, लेकिन वहाँ की सरकार ने हमारा दमन किया, लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारी किया। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश के लोग, चुने हुए जनप्रतिनिधि को हमने आह्वान किया है, दिल्ली के अंदर हम आए हैं और हम केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हस्तक्षेप करने की मांग करने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि आपने ग्राम उदय से भारत उदय की जो योजना बनाई, और पूरे देश में आप आह्वान कर रहे हैं कि ग्राम उदय से भारत उदय करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार, ग्राम उदय नहीं होने दे रही है। हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं, ग्राम सभा प्राय समाप्त हो चुके हैं। हमारा सरपंच मध्य प्रदेश के अंदर शौचालय का स्वच्छता के अंदर निर्माण करके और कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करने के लिए विवश हो गया है, सारी हितग्राही मूलक योजनाएं बंद कर दी गई हैं। इसलिए हम दुखी होकर आज केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश के ऊपर हस्तक्षेप करें और हमारे पंचायतों को फिर से बहाल करें, हमारे सरपंच का सम्मान वापस करें, इसके लिए हम आए हैं। और ये सरकार, हमारे विश्वास है केंद्र की सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी, नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले हमारी इसी आवाज को लेकर, और संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश की सरकार को निर्देश करे कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत राज तत्काल बहाल किया जाए। हम इसके लिए आए। हम लोग पूरे चुने हुए जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं। उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारे संविधान का पालन नहीं कर रही है और गांधी जी के सपनों को चूर चूर करने का काम कर रही है। आज जो जनप्रतिनिधि यहाँ आया है वो 2 साल से लगातार आंदोलन कर रहा है कि हमारे अधिकारों पर मध्य प्रदेश की सरकार ने अतिक्रमण कर लिया है। अगर सरकार बहाली नहीं करेगी तो हम लोग शिवराज जी को जहाँ थे वहाँ भेज देंगे, और ये वो व्यक्ति है जो सरकार बनाता और बिगाड़ता है। लेकिन आज हमारे पर अतिक्रमण करके सरकार ने अपने आप को चुनौती दी है, और आज ये नरेंद्र मोदी जी को बताने के लिए आए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज जी बार बार जनता को झूठ बोलकर छलावा करते हैं, ये अब हम नहीं चलने देंगे। ये पंचायतों को अधिकार को लेकर 23 साल पहले 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। 23 साल बीतने के बाद भी आज भी पंचायतों को अधिकार नहीं दिए गए, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार, और ये पूरे देश में नहीं दिए गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो। केंद्र सरकार ने अधिकार देना राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया और राज्य सरकारें अधिकार देने को तैयार नहीं है। तो हमारा ये मांगना है केंद्र सरकार से कि या तो इस संविधान संशोधन को आप खत्म कर दो, अन्यथा केंद्र के माध्यम से ही पंचायतों को अधिकार दो। हमारे मोदी जी महात्मा गांधी के लिए झाड़ू लगवाते हैं, कहते हैं सस्ता अभियान है, तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था, महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा था कि मेरी फोटो नोटों पर छापो, महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राम स्वराज की स्थापना करो, और उसके लिए पंचायती राज पंचायतों को अधिकार देना पड़ेगा, जिसके लिए हमारा आंदोलन है। अपनी लड़ाई को और भी तीव्र करने के लिए यहाँ पर जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं, और हमारी लड़ाई, हम अपनी आवाज सम्माननीय प्रधानमंत्री जी तक, राष्ट्रपति जी तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक इस मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं। होंडा के कर्मचारियों का आज भी दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल जारी रहा। इस आंदोलन के 12 दिन बीत जाने के बाद भी इन मजदूरों से अभी तक कोई अधिकारी या नेता नहीं मिला है। वहीं 12 दिन से भूखे रहने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य में भी लगातार गिरावट आ रही है।
मकान तक तो जा रही है, बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा सा संघर्ष हमारा कमज़ोर हो जा रहा है, वहीं फर्स्ट प्लांट से उनके होंडा के, बाकी हम लोग जो है तन लगे हुए तन मन धन से जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है सहयोग और सक्सेस हो। ये तो होंडा वाले ही बताएंगे, हम तो हीरो की तरफ से हैं, हीरो की तरफ से धारवाड़ा प्लांट हीरो की तरफ से, हम ये होंडा वाले ही बता सकते हैं। हीरो की तरफ से तो होंडा की कंपनी ने सारे वर्करों को ऐसा किया, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप हीरो की कंपनी? हम तन मन धन से साथ हैं एकदम, जैसे भी आवश्यकता लगी हर समय हम खड़ा मिलेंगे इनके सहयोग के लिए। हाँ, और पीछे से खड़े होते आ रहे हैं, शुरू से इनके आंदोलन में हम सम्मिलित हैं, आगे भी साथ देते रहेंगे जब तक ये कामयाब नहीं हो जाते यहाँ से। हमारी शुभकामनाएं हैं, ये कामयाब होंगे पक्का।